श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थल का निर्माण जारी। बाबा सतनाम सिंह ने संगत से सहयोग की अपील की। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर बाबा सतनाम सिंह ने गुरु के महल गुरुद्वारा साहिब में चल रहे निर्माण पर संगत से इस निर्माण कार्य में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुरु का महल गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म स्थल है और इस गुरुद्वारे की महानता को देखते हुए प्रशासन को इस रास्ते से श्री हरिमंदर साहिब तक फ्लाईओवर बनाना चाहिए ताकि यहां दर्शन करने आने वाली संगत को कोई परेशानी ना आ सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सेवादार सतनाम सिंह जी, कार सेवा जिला आनंदगढ़ आनंदपुर साहब। अज असी जन्म स्थान साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के इतने दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान की सेवा कार सेवा श्री मान संत बाबा सेवा सिंह जी ने आरंभ की। उस तो बाद संत बाबा भाग सिंह जी, संत बाबा लाभ सिंह जी, बाबा हरभजन सिंह जी भलवान, जो कि वो परमेश्वर ने उन्होंने स्वासा रूपी दिखती पूंजी दी से भोगते हुए उस संसार को चले गए। वो संप्रदाय अज भी इस स्थान से सेवा निभा रही है। इस संस्था के मुखी बाबा सुच्चा सिंह जी हैं और समूह सेवादार जहेदार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोगदार सेवावान चल रही हैं। देश विदेश की संगतों के सहयोग के नाल साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के जन्म स्थान की सेवा चल रही है। ये स्थान बहुत थोड़ी जी जगह के जो कि करोड़ों रुपये दमारत लैके इस स्थान को व्डा किया गया। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल जो कि 2021 एक मई को मनाया जा रहा। असी संगत बेनती करते हैं कि इस शताब्दी मुख रखते हैं जोड़े कार्ज होने वाले आ शुरू किए गए आ। पहला भी संगतों के सहयोग नाल सारे कार्ज किए गए गुरु महाराज की कृपा नाल। जिहड़े रहिंदे कार्ज आ वह भी कार्ज संगतों के सहयोग नाल ही होने आ। गुरु तेग बहादुर साहब रहमत करन, अपने कार्ज आप कराउन। इत्थों ही साहब श्री गुरु रामदास जी श्री हरिमंदर साहब की सेवा कराउंदे रहे आ। इह साहब श्री गुरु रामदास जी का घर सीगा। सो असी प्रशासन भी बेनती करते हैं आपके चैनल राही कि जेडे गुरु के महल में आने वाले रस्ते आ उन्होंने कार्ज आरंभ हो चुके आ। जेडे कार्ज रहिंदे आ उन्होंने बड़ी जल्दी तो जल्दी ठीक किया जाए। जिमें कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो एक मेन रस्ता आता वो उपर फ्लाईओवर बना के गुरु के महल में जोड़िया जाए जिदे नाल देश विदेश संगतों आने जाने कोई दिक्कत ना आएगी क्योंकि रस्ता बहुत छोटा थले मार्केट चल रही है। जो दिन मार्केट खुल जाती है संगत आना बहुत मुश्किल होता। जी कड़ाके की ठंड पै रही है ये अज कोई नवी नहीं पै रही जी। ये जो हफ्ता चल रहा इस साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के छोटे साहबजादे व्डे साहबजाद का क्योंकि 21-6 साल की पोह की रात को जालम सरकार ने दबाव बनाया कि साहब श्री गुरु दसवें पातशाह को कहा गया कि तुम किला आनंदगढ़ छड़ दौ श्री आनंदपुर साहब छड़ दौ। तो महाराज 6-7 पोह की रात को श्री आनंदपुर साहब तो रवाना हुए जो कि वो दिन चल रहे हैं। उदों भी इसे तरह ही बहुत ठंड सी तो अज भी वो दिन जोड़े उदा ही याद कर हो रहे हैं। गुरु कृपा करन सिख कौम के उत्ते बड़िया मुसीबत बनी अगे भी आदि रही हूँ भी आई आ। जो हूँ आई आारे हिंदुस्तान की किसानी के उत्ते एक बहुत व्डा मारू 3 कानून लागू किए गए आ। असी गुरु तेग बहादुर साहब के जन्म स्थान पर अरदास कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब रहमत करन जिन्ह की खातर शीश का बलिदान दिता से अज राजभाग से बैठ के इस संसार हिंदुस्तान के 3 कानून लागू करके किसानों सड़कों के उत्ते बहालिया। सारी संगत अरदास करो कि महाराज कृपा कर इन्हों सोझी बख्शन जोड़े कानून आ वापस लै जा जगत वा वो अपने घर आव।
मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी। मैं बाबा लाभ सिंह जी का बेटा है जी। गुरु के महल गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिहाड़ा मनाने वास्ते सारिया संगत इतने इकट्ठिया हुई हैं जी। सारिया संगत बेनती है भी तन मन धन न सेवा करके अपना जीवन सफला करो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू। देखो जी ठंड तो बहुत ज़्यादा वा, फिर भी संगत की आमद बहुत ज़्यादा वा, काफ़ी संगत आ रही है दर्शनों नू। हो सकता शाम तक काफ़ी संगत आएगी इतने दर्शन मेले कर गुरुद्वारा गुरु के महल। जन्म स्थान गुरु तेग बहादुर साहब जन्म स्थान ये बहुत महान स्थान आ। ये गुरु साहब जी के घर है। ये गुरु के महल नू घर कह जाता। जिस तरह दरबार साहब जब उसारी की उदों गुरु साहब इतने रेंदे। गुरु अमरदास जी ने वसाई नगरी, गुरु रामदास जी इतने रहे, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी, गुरु हरराय जी भी इतने आए हैं। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जन्म स्थान ये इतने। गुरु तेग बहादुर साहब योजा वा कि यह स्थान की अभी प्रशंसा सुनी उस तक सुनी हाँ अं इतने सेवा करते हैं उस तक सुनी कि इतने एक बार जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का भ्राता जी का भरा जी का विह ही तो एक बच्चा नंगा इतने खेड रहा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना जोड़ा कपड़े वधिया पाए ही विह वास्ते वह ला के भी वह नंगे बच्चे देते। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी माता जी ने कहा यह की किया कि अपने जोड़े नवे कपड़े तो तुम कितने छड़े। वह कहते एक बच्चा ही कोई नंगा तो उन्होंने मैं अपने कपड़े देते। तो गुरु हरगोबिंद साहब माता जी कहते गुरु हरगोबिंद साहब ने भी वेखो अपने कपड़े दिया। तो गुरु हरगोबिंद साहब अगर कहते हले तो इन्होंने किसी गरीब लिए अपने कपड़े दते आ पर लौड़ पैन तो इन्होंने किसी वास्ते अपने शीस भी बलिदान कर दिया। ये एडा बड़ा स्थान आ। इतने बहुत दुनिया आती आ जेडे मेरे वेखन दे विच मैं वो बंदे साबित करा सकता वा जे बंदे इतने आते अपन मूह मंगिया मुरादा प्राप्त करके जाते हैं। हाँ जी पोए ने कड़ाके की ठंड पै रही है। ठंड के भावें कारण कई नहीं आए कई नहीं आते पर जो श्रद्धालु आ भावें ठंड होवे भावें गर्मी होवे उन्होंने आने ही होना।